आज की हमारी क्लासेस में आज की हम क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप और वी लुकअप जैसा कुछ और जो लुकअप मेथड है, जो वी लुकअप के ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स पे हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच फॉर्मूला, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाई थी कि मैच फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल है और मैच फॉर्मूला कैसे उसको यूज किया जाता है। तो चलिए हम आपको आज मैच फॉर्मूले के बारे में समझाते हैं। तो बेसिकली आप हमारे पास वी लुकअप था, तो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह है कि हमारे पास जो यहाँ नाम है वो नेम का सीक्वेंस जो है बस अजीब तरीके की है, और साथ में आप देख रहे हैं कि अब चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ अगर सैलरी है तो कल के डेट में यहाँ परफॉर्मेंस स्कोर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन फ्यूचर में ये अपने आप को चेंज कर लेता है। तो उस केस में मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है और उसका कॉलम नंबर देता है। तो इसने इस फुल नेम का कॉलम नंबर 2 दे दिया, ठीक है, फुल नेम का कॉलम नंबर 2 दे दिया, जो कि यहां पे था कि 1 एंड 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहां पे हम वी लुकअप लगाएंगे, और वी लुकअप में लगाते समय हम टेबल एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैनुअली जो हम 2 लिखते हैं इस यहां पे इसको मुझे ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करने के लिए ये जो मैच का फॉर्मूला है इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे अब मैच का फॉर्मूला इसके हमने क्या किया, 2 की जगह पे हम रेफरेंस कर देते हैं इसको, तो B13 आ गया। अब बात आती है कि B13 का फॉर्मूला ए है और यहां पे B13 को लिंक कर रखा है, तो मुझे इस सीट की जो फॉर्मूला है इसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो फॉर्मूला है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहां B13 के जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो B13 रिजल्ट कहां से दे रहा है, वो अपने फॉर्मूला से दे रहा है, और हमने उसकी वो B13 के एड्रेस की जगह पे उसका फॉर्मूला को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। उसे क्या हुआ कि ये लिंक हट गया, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्रैग करने के लिए जो डॉलर साइन लगाते हैं उसका। तो आप देखिए इसमें क्या क्या एड्रेस है, A15 जो कि ए है हमारा, ए से आई कॉलम सीट के सीट 1 के ए से आई तक मतलब कि डेटा में है, मैच B14 है और उसका रोल नंबर 1 पूरा 1 बाय 1 है। अब जैसे कि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो गई। देखिए ये इसके जगह पे 65 के जगह पे ये नेम ले रहा है और ए से नहीं बी से सर्च कर रहा है, और यहाँ पे हायर डेट तो सही ले रहा है पर रो नंबर भी सही ले रहा है, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। नीचे ड्रैग किया तो आप देखिए यहाँ पे आपका B15 हो गया, मतलब कि जो हमारा नेम था और नेम का रो जो था वो चेंज हो गया। अब ये चीज आप देखने के बाद फिर आप करें, अब मुझे इसका जो है A15 का सिर्फ A को फ्रीज करना है ताकि मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूं तो ए बी ना बने, लेकिन जब टॉप टू डाउन करूं तो 15 16 बने। फिर ऐसे ही इसको फ्रीज कर देंगे दोनों तरफ लगा के डॉलर, और B14 में मैं चाहता हूं कि जब मैं लेफ्ट टू राइट करूं तो बी सी बने, बट टॉप टू डाउन करूं तो जो 14 है 14 जो है वो 15 ना बने, तो 14 के आगे हमने डॉलर लगा दिया और इसके आगे भी मैंने डॉलर लगा दिया। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, तो डॉलर इसी तरीके से लगाते हैं। सर ये जो आपने सर अगली साल में वैल्यू प्रेफर कीजिए। हाँ ये जो हमने ए में शीट ए के बाद हमने जो डॉलर साइन लगाया,
तो सर इसमें कौन सी क्या चीज शिफ्ट हो गई? देखिए जो बी का साइन है ना, ये इसका जो हाँ जी एटा हमारा बहुत ही है हॉरिजॉन्टल है, देख रहे ना आपको। तो हाँ अगर जी मैं इसको बी फ्रीज बी के आगे लगा दूंगा तो आगे ड्रैग करूंगा तो सी नहीं बनेगा, मतलब कि हर सेल पे मुझे फुल नेम का ही दिखाएगा। इसलिए मैंने बी के आगे डॉलर ओके नहीं लगाया ताकि जब मैं उसको इस तरह से ड्रैग करूं तो यहाँ बी जो है सी बन जाए। देखिए सी बन गया, लेकिन डेटा हो सकता है कि नीचे की तरफ ड्रैग हो, जब मैं नीचे के ड्रैग करूं तो मेरा 14 फिक्स रहा है, 14 के जगह पे 15 ना हो, इसलिए मैंने 14 के आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है, ठीक है सर। और सर जो ये हमने आगे पीछे जो डॉलर लगाया है उसका क्या मतलब है सर? सीट ए ए से आई है, इसमें क्या वन। है? हाँ जी हाँ इसमें क्या है कि इसमें कोई रो नहीं, पूरा कॉलम सेलेक्ट है, इसलिए हमने कॉलम लगा लिया। इसमें रो है ही नहीं, रो होता तो रो भी लगाना पड़ता, सिंपल सी बात है। रो है? नहीं रो नहीं है, जी सिर्फ कॉलम ही है ना, तो इसमें पूरी शीट। हाँ जी तो इसमें पूरी शीट पूरी किसको पे शीट में चलेगी पूरा कॉलम लगा हुआ है। सर? सर दोबारा बता दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या समझ नहीं पा रहे? तो देखो तो सही। हाँ सर, यहाँ तो जैसे A16 में आपने A फिक्स किया तो आप कह रहे हो कि ये कॉलम हॉरिजॉन्टली फिक्स होके चल रहा है लेफ्ट टू राइट। सुनिए सुनिए, अब ये ऐसे शीट आपको एक। समझ में नहीं हाँ जी आएगा, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। आप क्या करें कि जब फॉर्मूला लगाए तो आप उसको एक बार हाँ लेफ्ट जी में और एक बार डाउन में उसको ड्रैग करें और फिर देखें कि कौन सा आपका रेंज बढ़ गया है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, फिर उसके हिसाब से क्रीज करें। हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, आपको मैं समझा दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है डॉलर साइन लगाने का, कल के रेट में कोई और सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। इसलिए आप क्या करें कि जब भी डॉलर साइन लगाएं, तो जैसे मैं मतलब हटा देता हूं, जैसे हटा दिया मैंने डॉलर साइन लगाया, तो पहले लेफ्ट में किया और फिर डाउन में करो। ठीक है, अब डाउन में देखो क्या हुआ। आपने देखा कि बी 15 बन गया जो कि नहीं बनना चाहिए था, क्या बोल रहे हैं यहां पे, दिख रहा है आपको हाँ जी ये नहीं होना चाहिए ना। और आपने देखा इसको कि 2 हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हेडिंग एक ही जगह पे है। क्योंकि शीट वन से हम डेटा उठा रहे हैं, हाँ क्योंकि शीट वन से हम डेटा उठा रहे हैं हाँ मैच मैच शीट के वन थ्रू। में हमारा एक ही रो 1 पे है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ ये बढ़ गया मतलब कि गड़बड़ हो गई। तो जी आप क्या करें कि यहां 14 के आगे डॉलर लगाए और इसके आगे डॉलर। ठीक है, अब मैंने इसको आगे ड्रैग किया, इसमें आपने क्या देखा कि ए जो है बी बन गया जो कि गलत है, और ए से आई था वो तो बी से जे बन गया, ये भी गलत है, गलत है ना। आप ठीक क्या करेंगे, ए के आगे का डॉलर लगाएंगे और आई का आगे डॉलर लगाएंगे, इसका आगे लगाएंगे, हो गया, अब उसका ड्रैग कर देंगे। तो आपको यह समझना, बस देख लेना है कि कौन सा रेफरेंस बढ़ गया जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए, और कौन सा जी बढ़ना चाहिए। जो बढ़ना चाहिए उसका आगे नहीं लगाइए, जैसे कि यहाँ पे D14 है, 14 नहीं बढ़ना चाहिए उसका आगे डॉलर लगा दिया, D बढ़ना चाहिए उसका आगे नहीं लगाया हमने। ऐसे ही A में हम A के आगे डॉलर लगाए थे कि A को B नहीं बनना है क्योंकि हमारा कॉलन मिक्स है, बट रो में नीचे डेटा हो सकती है इसलिए हमने 15 को चेंज नहीं किया, ठीक है ना। अब ठीक है सर, चलिए मैं करके देखूंगा आगे चलिए, आप बात करते हैं कि वी लुकअप की एक कमजोरी है कि डेटा हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया था कि हमारा जो पहला कॉलन है उस कॉलन में हमारा जो क्या बोलते हैं यूनिक आईडी है वो यूनिक आईडी होनी चाहिए।
लेकिन मेरा ये डेटा में क्या हुआ, कुछ यूनिक कोड है बीच में आ गया और इसका आगे का डेटा आप देख रहे हैं ब्लैंक है। तो वी लुकअप यहां से इसके आगे का डेटा उठा लेगा लेकिन अपने से पीछे का डेटा नहीं उठाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, इस दो नंबर कोड को इस एरिया में सर्च करेगा। सर्च करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए बताएगा कि हाँ एग्जैक्ट मैच है। तो ये बता दिया इसका रो नंबर कि वन, रो इंडेक्स नंबर नॉट ए रो नंबर, वन टू थ्री, तीसरा नंबर रो है तो तीसरा नंबर शो कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला एक इसका इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, इंडेक्स, माफ कीजिएगा, इंडेक्स फॉर्मूला है। वो क्या करता है कि हम पूरी डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस डेटाबेस में से जो हम रो नंबर देंगे, हमने बोला कि भाई इसमें से थ्री को उठा ले तो थ्री, और इसमें हमने बोला कि एक नंबर कॉलम तो इसमें आ गया कॉलम, ये आ गया आपको क्वार्टरली, ठीक है। तो इसमें अगर मैं यहां चेंज करता हूं फोर करता हूं, बट ये चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये थ्री फिक्स है। अगर इस थ्री को मैच के रिजल्ट के साथ लिंक कर दिया जाए तो ये वीलुकअप की तरह परफॉर्म करेगा कुछ इस तरह से कि कल के डेट में मैं यहां डालूंगा नाइन नंबर, तो नाइन नंबर का रो यहां चेंज हुआ, मैच ने दे दिया दस नंबर रो, और फिर इंडेक्स ने यहां से दस नंबर रो का डेटा शो कर दिया। अगर दूसरा कॉलम का डेटा चाहिए तो जो वन है इसको हम टू कर देंगे, अगर तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए तो वहां थ्री कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर मैच और इंडेक्स इकट्ठा लिखना है तो इसको आप मैच के फॉर्मूले को कॉपी करो और जहां वी फोर सी 14 है उसके जगह पे पेस्ट करो, या इकट्ठा लिख दो एज विश। अब लिंक हो गया, तो मैच इंडेक्स समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट मैच और इंडेक्स में? ये 34,000 सर वैल्यू लास्ट वैल्यू उठा रहा है क्या, तीसरे कॉलम ये 34,000 के वैल्यू उठा रहा है सर, ये काम से लास्ट से लास्ट ये 10th कॉलम के हुआ कि मैच ने बताया कि नाइन नंबर एम्प्लॉई कोड का रो नंबर 10 है। अच्छा नाइन नंबर यहाँ से आया, फिर हमने बोला तीसरा नंबर कॉलम, तो यहाँ से तीसरा नंबर कॉलम तीसरे नंबर कॉलम के दसवें नंबर रो का डेटा उठा लिया सर, तीसरे नंबर रो कॉलम का दसवें नंबर रो, समझ गए। ये ऑटोमेट कैसे हुआ, वी लुकअप से हुआ, सॉरी मैच से हुआ। मैच क्या करेगा, उसका रो नंबर एम्प्लॉई कोड का अकॉर्डिंग ढूंढ के देगा किसको, इंडेक्स, और इंडेक्स को जो रो नंबर जो कॉलम नंबर मिलेगा उसको अकॉर्डिंग डेटा देगा। बट इंडेक्स भी क्या है कि आपका पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में अगर आपका डेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो आपको फॉर्मूले को भी इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे मैच का इसमें ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑफसेट फॉर्मूला भी मैच की तरह काम करता है, सॉरी इंडेक्स की तरह, लेकिन ऑफसेट फॉर्मूला को सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां आपका डेटा स्टार्ट हो रहा ना वहां लेना। और वहां से मैंने बोला दसवां नंबर रो, दसवां नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम, तो ये जीरो दिया, क्यों, क्योंकि ऑफसेट की एक कमजोरी है वो जीरो से काउंट करता है, तो जो दस देना चाहिए था वहां पर आपको नौ देना है, और जो तीन देना चाहते हैं वहां पे आपको टू देना।
तो इसने क्या किया, इसने A1 से काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0 1 2 और इसका डेटा शो कर। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए जहां पे हमने 9 लिखा है उसके जगह पे हम मैच फॉर्मूला को कनेक्ट कर देंगे, तो वी लुकअप की तरह बिहेव करेगा और हमें इसमें पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब मैच फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें से आप -1 जरूर कर देंगे क्योंकि काउंटिंग करता है 1 से। तो ऑफसेट मैच और इंडेक्स मैच, इट्स क्लियर? इसमें डिफरेंस क्या है ऑफसेट में और लुकअप में? अभी तो मैंने आपको बताया, अब ध्यान नहीं दिए? नहीं, बताया आपको, लेकिन ये इंडेक्स को पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है और ऑफसेट को सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट करना होता है, समझे? लेकिन जैसे हमारा ये A1 से शुरू हो रहा है, अगर जैसे अभी ये A1 से शुरू हो रहा है, अगर यही चीज हम लोगों की थोड़ी नीचे कर हो या हमने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा नॉट ए स्टार्ट। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, आपने रो के लिए तो मैच लगा दिया लेकिन कॉलम के लिए मैच नहीं लगाया, यहाँ क्या कॉलम मैच नहीं लगा रहा? कॉलम के लिए मैच लगा रहा था मुझे। आपका डेटा जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वहां का दीजिए, जरूरी नहीं है कि A1 B1 C1 से हो, समझे? मैच जो है रो नंबर निकालता है, रो काउंट नंबर निकालता है, काउंट बताता है कि जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें से कितना निकलते हैं। अब ट्राई करके देखिए, ऑटोमेट करने के लिए यहाँ मैच नहीं लगाना था जी? हाँ मैच ही। तो सर 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 फिर ये एग्जांपल लेके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सर, यानी कि फिर ये ऑफसेट और इंडेक्स लगभग सेम फंक्शन हुए? हाँ लगभग सेम फंक्शन है, बस दोनों में अपना अपना है। जो जो प्रॉब्लम है मैंने बता दिया कि ऑफसेट में मैच प्रॉब्लम और ऑफसेट सब जगह बेनिफिट्स है। और फॉर्मूला यहाँ पे आपको ऐसा है, लेकिन आगे चल के आपको ऑफसेट फॉर्मूला का एक दूसरा यूज भी है, क्योंकि अभी आपको हम नहीं समझाएंगे, हम आपको आगे समझाएंगे। ऑफसेट आपको इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, ऑफसेट अभी आपको करीब तकरीबन जो है एक्सेल की क्लासेस में करीब 4 क्लासेस में आएगा। उसके बाद जब आप VBA स्टार्ट करेंगे तो ऑफसेट VBA पूरा VBA चलता रहेगा, ठीक है? तो अभी ऑफसेट पे बोर मत होइए, बोर होने के लिए बहुत टाइम। इतना वाला चैप्टर है क्या? क्या ऑफसेट इतना बड़ा चैप्टर है? वहां पूरा VBA में कम करें। अब बात करते हैं कि हमारे पास डेटा जो यहाँ हमारे पास जो डेटा था वो हॉरिजॉन्टल था, सॉरी वर्टिकल था, तो हमने वी लुकअप लगा दिया। अभी मेरे पास जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब मेरा डेटा जो है वो कॉलन वाइज है, रो वाइज नहीं है। तो यहाँ पे वी लुकअप जैसा ही एक एच लुकअप का होता है। हेलो, हाँ बोलिए। तो जी सर, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ। ये आप आज एक एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिएगा सर, आज के क्लास में क्या क्या आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपने सिखा दिया है तो फिर मुझे। आप रिपीट क्लास है, आप देखिए ना, आपको आगे और वी लुकअप का चैप्टर है सर। तो वी लुकअप, एच लुकअप हमने लिया और इसको सिलेक्ट करो और टेबल ना टेबल, जैसे वी लुकअप आप सिलेक्ट करते थे कॉलम वाइज, ऐसे रो वाइज सिलेक्ट कीजिए एंड कॉमा
रो इंडेक्स नंबर, मतलब कि वहां कॉलम नंबर काउंट करके देते थे, यहाँ रो नंबर। सैलरी जो है कितने नंबर रो पे, चौथे नंबर रो पे, चौथा नंबर दो दीजिए, एग्जैक्ट मैच कर दीजिए, टू कर दीजिए। इसका इस्तेमाल किया जा सकता, ठीक है, लगता है बिलू कप की तरह ही है, लेकिन इस काम को हम इंडेक्स मैच या ऑफसेट मैच से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम देखेंगे यहां पे इंडेक्स, इंडेक्स दिए और हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया अपना, फिर इसमें मैं मैच लगाया और मैच में बोला कि 9 नंबर को, नहीं इसमें तो रो नंबर है ना, रो नंबर तो 4 है ही हमारे पास, और इंडेक्स नंबर कॉलम नंबर के लिए यहां पे मैच लगाएंगे, क्योंकि यहां पे कॉलम नंबर ऑटोमेट करना है, और हमने इसको सेलेक्ट किया अनकॉलम। अब रो एंड कॉलम दोनों के लिए लगा सकते हो, लेकिन यहां पे मैं जनरली पता है 4 है एक ही कॉलम इसे लगा लिया, लेकिन आपके पास अगर ज्यादा कॉलम हो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा आ गया। तो एच लुकअप का काम हमारा इंडेक्स मैच भी कर सकता है या फिर ऑफसेट मैच। तो ऑफसेट मैच लिया और सिर्फ हमने स्टार्टिंग डेटा सिलेक्ट कर लिया और रो नंबर पता है हमें कि चौथा 4 है, मतलब कि 3 होगा, और कॉलम नंबर के लिए हम यहां मैच लगा देंगे, मैच इसको सिलेक्ट किए और डेटा पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिए एंड कॉमा 0, लेकिन इसमें -1 करना ना भूले। तो एच लुकअप, मैच इंडेक्स और ऑप्शन मैच, समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी तक जितने वी लुकअप पढ़ाए हैं आप लोगों ने लगाया है, तो सब में हमने लास्ट में 0 लगाया, लास्ट में 0 लगा हुआ है, हर में लास्ट में 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स, याद रखिएगा, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अब हमने बताया था आपको कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप में जो लुकअप रेंज पे डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ डाला यहां पे, ये होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच करने के लिए, जिसके बारे में अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे देखे, बट ट्रू के लिए क्या करें, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको तो हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा है और मुझे इंसेंटिव निकालना है कि 0 टू 40 हुआ तो 500, 41 टू 100 हुआ, 60 हुआ तो 1000, 61 टू 80 हुआ तो 1500, 81 टू 100 हुआ तो 100, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 100। तो इसके लिए याद होगा मैंने इफ फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड इफ लगाया था। हम इफ के बजाय वी लुकअप से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, बस आपको इसको लिखना है इस फॉर्म में, सबका स्टार्टिंग पोजीशन यहां पे लिख दीजिए और इसके सामने उसका वैल्यू लिख दीजिए। जैसे 0 टू 40 हुआ तो 0 आएगा, 41 टू 60 आया तो 41 आएगा, सबका स्टार्टिंग पोजीशन आएगा। और फिर हम जी ये वाली सारी चीजें लास्ट संडे को हुई थी, तो आगे भी कुछ है इसमें वी लुकअप के अलावा? आज वाली रुकिए, तो नहीं वी लुकअप के अलावा है कुछ इसमें क्लास में आज की? हाँ है, आप देखिए तो सही, आप इतना जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आमिर खान की मूवी 2 बार देख लेते हो, मेरी 2 बार क्लास ले सकते हैं आप? ठीक है, इतना बोर की बात आता हूँ? नहीं बोर की बात नहीं है, बाकी होता है क्या ऐसा कि आपकी जो क्लासेस मैंने कराई थी उसमें कुछ डिटेलिंग मैंने छोड़ इग्नोर कर दिया था, इसलिए डिटेलिंग कर रहा हूँ। जैसे कि डॉलर कंसेप्ट आपको मैंने कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, इसलिए चैप्टर ले रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपका टीचर हूं, मुझे पता होता है कि मैं आपको क्या पढ़ाया और क्या चीज छोड़ा हूं, इसलिए थोड़ा सा रिपीट क्लास करते समय उन चीज को मैं पकड़ लेता हूं, ताकि कोई चीज मेरी जानकारी में आपका मिस ना हो, मेरी जानकारी के बगैर। वो कस्टमर प्रोजेक्ट भी आपने लेना है, ठीक है? चलिए
तो यहां पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी 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 मैं गलत कर दिया, माफ कीजिएगा, बात करते समय गलती हो गई, हमने ए टू सिलेक्ट किया और हमने टेबल टेबल को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 2,0। तो जीरो किया तो उन्हें आया, जीरो की जगह से ऐसे वन करूंगा मैं तो आप देखिए 1000 आया, क्यों? क्योंकि इसने देखा कि 0 to 41 में क्या आ रहा है 1000, सॉरी 41 to 61 में 1000। फिर बिटवीन देखता है कि जो वैल्यू हमने डाला है वो किस स्लैब के बिटवीन आता है उसकी शो करता है। तो ध्यान रखिएगा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए और आपका डेटा इस तरह से लुकअप कर देगा, आपको इन कॉम्प्लिकेटेड वी लुकअप लगाने की सॉरी इफ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लुकअप के बाद अगला चैप्टर जो आता है हमारा वो चैप्टर आता है ये रहा। सर यहाँ एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ क्वेश्चन ये सर, अगर मैं सबसे टॉप में 37 के जगह अगर मैं 39 लिखता हूँ तो क्या मेरा वैल्यू 500 आएगा? जरूर आएगा, देखिए हम बोले इसको नहीं चाहिए, जो आपका ये स्लैब है ना ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 101 आना चाहिए, यहाँ पे 80 आना चाहिए, यहाँ पे 40 आना चाहिए, ऐसा ये सीक्वेंस में होना चाहिए। वो जो बिटवीन करता है वो देखता है किससे बड़ा किससे छोटा है और फिर उसके सामने वाले वैल्यू शो करता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब अगली सेल वैल्यू है कि अगर मुझे दो कंडीशन को मैच करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं अविनाश आनंद जी, हमने वी लुकअप लगाते समय बस यहां पे जीरो के जगह पे वन कर दिया था और जो स्लैब हमारा था उसका स्टार्टिंग पोजीशन मैंने लिखा उसके सामने उसकी वैल्यू लिखा, बाकी सब चीज सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर ये वन से ये वन की जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है सर, है ना? तो सर इसने मतलब मैं डिफरेंस मतलब चेंज क्या लाया फॉर्मूले में, मैं वो नहीं समझ पाया हूँ सर कि जीरो में हमने फॉल्स किया तो उसने वो एग्जैक्ट वैल्यू लेके आता है। तो एग्जैक्ट मैच करेगा, 39 होना ही चाहिए। हाँ सर, अगर यहाँ पे अगर 0 to 40 की वैल्यू अगर डालेंगे 39 है तो यहाँ 500 डालना चाहिए। हाँ यहाँ पे अगर 39 करोगे तो 500 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 39, तो अगर सर यहाँ पे 1 करेंगे तो भी 500 आएगा? नहीं आएगा। तो सर वो सीक्वेंस कहाँ से उठा रहा है 0 to 40 का? कैसे सीक्वेंस उठाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 कर दिया है ना, एग्जैक्ट मैच कर दिया है। अच्छा ओके ओके, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं तो रेंज उठाता है। ट्रू करोगे तब ना वो मैंने की मिलता जुलता उठाएगा, मतलब जब वहां पे 1 करेंगे ट्रू करेंगे तब वो रेंज उठाएगा और अगर 0 करेंगे तो सिर्फ वो जो पर्टिकुलर नंबर मिलेगा तभी उसको वैल्यू उठाएगा वो करेगा। आप तो समझदार हो ठीक है। नहीं सर कहां समझदार सर, मैं तो डॉलर साइन ही समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रैक्टिस कीजिए समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं सर मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, मेरे समझ नहीं आ रहा था, 3-4 दिन से देख रहा हूँ। आज समझा दिया ना मैंने आपको, आप पहले डॉलर साइन देखिए हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, तो मैं सिंपल बच्चों को कहता हूँ डॉलर साइन का मतलब क्या होता है कि आपका रेंज ड्रैग करने पे इंक्रीज ना हो, समझे? डॉलर साइन का काम क्या है कि जब आप नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं ड्रैग करते हो तो इंक्रीज और डिक्रीज ना हो। तो पहले आप ड्रैग करके देख लो, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजमेंट आपको चाहिए तो ठीक है, वो इंक्रीजमेंट नहीं चाहिए तो डॉलर लगा दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास तरीके हैं, अब कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं आप। मेरे पास डिपार्टमेंट है और सिटी है, डिपार्टमेंट है और सिटी है और मुझे इसकी सैलरी निकालनी है, तो मुझे पता करना है कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट के पटना में क्या सैलरी है, समझे? तो दो कंडीशन को मैच करना है या दो से ज्यादा कंडीशन को मैच करना है उसके लिए वी लुकअप किसी कंडीशन में नहीं करेगा।
तो हम क्या करेंगे, डेटा से पहले एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करेंगे और हम इसके साथ हम एक सेपरेटर डैश लगा देते हैं। सेपरेटर लगाना जरूरी नहीं है, फिर हम सेपरेटर लगाते समझने के लिए ताकि हम समझ सके, समझे। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के साथ हमने सिटी को कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया। चाहे कॉन्ग्रेनेट फॉर्मूला लगा लें या एंपरसेंड का साइन लगा लें और नीचे ड्रैग कर लें, तो आपके पास एक यूनिक आईडी क्या बना, डिपार्टमेंट। इसमें समेत का फॉर्मूला भी लग सकता है ना, क्या समेत का फॉर्मूला लग सकता है ना, सम इफ का नहीं, मुझे यहाँ पे सम चाहिए मुझे, क्योंकि सम तो नंबर को कर लोगे ना, मान लो आपको ये चाहिए नेम चाहिए तो नेम को सब करके थोड़ी दिखाएगा, नाम नहीं दिखाएगा, नेम को दिखाएगा सम करके हो नहीं, पर नाम भी तो एक ही दिखाएगा। अच्छा हाँ, तो पटना के फाइनेंस में एक ही, मैं यहाँ रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही है मान लीजिए, चलिए ना एक ही है, ठीक है ना, लुकअप की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप में हम यहाँ डिपार्ट जो लुकअप वैल्यू है जहां मैच करना है इसको, तो सेम मैं डिपार्टमेंट और सिटी को कंबाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, और फिर हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना कॉलम नंबर और रेंज जो भी देते हैं देंगे और एंटर मारेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। जब आपके पास दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन के बिहाफ पे मैच करना हो तो उस केस में एक कॉलम इंसर्ट करें और सबको आपस में ज्वाइन कर दें, सॉरी सर एक कॉल आ गया था। अब बात करते हैं कि मेरे पास जो दिल्ली है तो कहीं पे दिल्ली है और कहीं पे न्यू दिल्ली है, मतलब किसी डेटा में दिल्ली है किसी डेटा में न्यू दिल्ली है, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हम न्यू दिल्ली को मैच करेंगे तो अगर उसमें दिल्ली हुआ तो मैच नहीं करेगा, और किसी में न्यू दिल्ली हुआ और दिल्ली से मैच करेंगे तो दिल्ली मैच नहीं होगा क्या। तो उस केस में वी लुकअप लगाते समय आप जो दिल्ली सिलेक्ट करेंगे उसके दोनों तरफ स्टार लगा देंगे आप, तो क्या होगा मैच कर लेगा ये, इसको बोलते हैं कंटेन, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वर्क करता है ना उसी तरीके से। तो दोनों तरफ स्टार था तो दोनों तरफ स्टार था तो इसने यहां पे मैच कर लिया। अगर मैं एक तरफ स्टार लगाऊंगा तो वो होगा, या देखिए तीनों ड्रैग कर लीजिए, देखिए एक तरफ स्टार लगाया जिसको बोलते हैं एंड विथ, और लास्ट में स्टार लगाया तो स्टार्ट विथ, और तीन बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसका मतलब है तीन करेक्टर चाहे जो भी हो, और चाहे तीन से ज्यादा करेक्टर तो तीन के बाद स्टार लगा दीजिए। ये वाला एक बार और दिखाएंगे सर, तीन से ज्यादा करेक्टर हमने कुछ नहीं किया, एक बार और दिखाएंगे सर, ये लगा हुआ है हमने यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दिया है ना उस पे लगाया, ये लुकअप तो जनरल है जो नॉर्मल लगता है जी, ठीक है। बस आप जो लुकअप वैल्यू लगाया उसमें इस तरह का ये कर दो। अब चलिए अगली पे चलते हैं, अब बात करते हैं मल्टी शीट वी लुकअप, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, मल्टी शीट वी लुकअप। मेरे पास डेटा जो है दो तीन शीटों में है, तो आप देख रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहां पे हम जो है इफ एरर के साथ लगाएंगे, तो यहां पे इक्वल इफ एरर, एरर में हम देंगे वी लुकअप और इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें हमने डेटा वन को वी लुकअप लगाया,
प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी इको आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी इको आ रहा है। तो एक इफ एरर में हम दो वीलुकअप दो डेटा से लगा देंगे। तो इफ एरर क्या करता है, इफ एरर क्या करता है, देखिए अगर एक सेल में पापा, नहीं चाहते। तो इफ एरर का काम है कि अगर पहला वीलुकअप रिजल्ट दिया तो उसको मैच करेगा, उसको शो करेगा। अगर पहला वीलुकअप एरर दिया तो फिर वो दूसरे वीलुकअप को चांस देगा शो करने के लिए। अगर दोनों वीलुकअप एरर दे तो वो एरर ही देगा, तो उसके लिए तीसरा सीट हुआ कि तीसरा सीट होना चाहिए। तो इसके आगे एक और इफ एरर आप लगा दें और इस इफ एरर में जो दो जो इफ एरर था उसको डाल दें पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में तीसरा वीलुकअप लगा, तीसरे सीट से ऐसी चौथा पांचवा कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ठीक है, तो मल्टी सीट वीलुकअप इसी को कहा जाता है। मल्टी सीट वीलुकअप सर एक बताइए, मतलब सर अगर 105 की वैल्यू किसी भी सीट में पड़ी होगी तो वो हमें फैच करके दे देगा। हाँ, वो पहले क्या करेगा, एक पहला इस एरर चलेगा, तो पहले इस इफ एरर को बोलेगा चलने के लिए। इफ एरर पहले इस वीलुकअप को बोल रहा है चलने के लिए। अब इस वीलुकअप ने रिजल्ट दिया इसी को शो कर देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। लेकिन इस वीलुकअप ने एरर दिया मतलब कि डेटा नहीं मिला इसको तो एरर देगा, तो फिर इफ एरर क्या करेगा, दूसरे वीलुकअप को चांस देगा। दूसरा वीलुकअप रिजल्ट दे दिया तो यहाँ पे रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज एरर देगा। एरर देगा तो मतलब कि ये इफ एरर पहले वाले इफ एरर को एरर देगा, तो पहला इफ एरर जो है इसको स्किप करके तीसरे वीलुकअप को चांस देगा। ठीक है, ऐसे इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू चौथा पांचवें के चलाते जाएंगे, जितना सीट ऐड करना होगा उतना इफ एरर हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी अपना सीट पे आप खुद लगा लीजिएगा। दसवां नंबर सीट पे आते हैं। अब मेरे पास डेटा देखिए क्या है, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉई कोड है, नेम है और ये हमारा डेट्स है, मई का डेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चौथे नंबर सीट पे मैं यहाँ पे एम्प्लॉई कोड लिखूं 15 और मैं लिखना चाहता हूं कि मुझे 1 मई से 10 मई तक का डेटा चाहिए। यहां देखिए 1 मई से लेकर 10 मई का डेटा है, मुझे चाहिए 5 मई में से 15 मई का डेटा। तो 5 मई यहां स्टार्टिंग में डालूंगा और 15 मई यहां डालूंगा, तो मैंने 15 मई। ये कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें डेटा में कोई चेंज नहीं किया, इसपे है सबसे पहले यहां पे हमें डेट शो करवाना। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग डेट के लिए स्टार्टिंग डेट को जस्ट लिंक कर दिया और कुछ नहीं किया। बाकियों के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, मैं दिखा देता हूं यहां पे कि इफ अपने पहले वाले डेट में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन लास्ट डेट टू डेट होता है तो यहां पे ब्लैंक कर दो,
अदरवाइज इसमें प्लस वन, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इफ डी नाइन प्लस वन इज ग्रेटर देन जी सिक्स तो यहां पे ब्लैंक होना चाहिए, अदरवाइज डी नाइन में प्लस वन होना चाहिए। और इसको आगे ड्रैग करने से पहले एरर आने के चांसेस हैं, तो इसमें सिखाओ इसको, सिखा दो इफ एरर हमने दे दिया, ठीक है। और इसको हमें लग रहा है कि हाँ 50-100 से कॉलम होना चाहिए, तो हमने इसको आगे ड्रैग कर दिया। अब वी लुकअप पे हमने क्या किया, ये तो नॉर्मल वी लुकअप हमने लगाया नेम के लिए, मैं बताया नेम दूसरे कॉलम पे, लेकिन डेट हमारा अलग अलग है। तो हमने यहां पे वी लुकअप दिया, वी लुकअप में हमने यहां पे रेंज को सिलेक्ट करा और हम डेटा में गए और पूरा डेटा को सिलेक्ट किया। और यहां पे मैं मैनुअली तीन लिख देता हूं आगे, पर प्रॉब्लम यह है कि तीन तो है नहीं, तो तीन मई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इन तीन के जगह पे मई 5 मई का डेट का कॉलम नंबर लाने के लिए हम मैच फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैच फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया कॉमा जीरो एंटर। अब आगे ड्रैग करने से पहले हम फ्रीज करेंगे, तो ये हमारा फिक्स है कि C15 में फिक्स है, तो C15 को दोनों तरफ से हमने कर दिया। रेंज हमारा फिक्स है तो इसको भी दोनों तरफ से कर दिया। D9 जो कि मई है, जो आगे ड्रैग करना है, तो D9 जो है वो E9 F9 होगा, तो 9 को सिर्फ फ्रीज करेंगे और फिर इस 1 को फ्रीज करेंगे, और जब वैल्यू नहीं मिलेगा तो एरर आएगा, तो इस एरर के जरिए हम उसको ब्लैंक शो करवा दें। और फिर आगे की तरफ ड्रैग कर, क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? इसका वीडियो सर ये समझ तो आ गया, लेकिन अभी अभी के लिए समझ में आया, जब करने बैठेंगे शायद शायद मुझे लगता है हम एक पॉइंट मिस कर गए। इसका वीडियो आप मुझे भेज, ठीक है, जरूर। अब अगला चैप्टर है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगला चैप्टर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक बार इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको अगला चैप्टर क्या है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो ये रहने देता हूं आपको रेफरेंस के लिए, मैं यहां बना देता हूं। नहीं, इसी में कर देता हूं। अब जैसे कि वी लुकअप क्या होता है कि अगर आपके पास रिपीटेड डेटा हुआ, अगर आपके पास रिपीटेड डेटा है, जैसे कि मेरे पास फाइनेंस जो है 10 बार, तो जनरली सारे फाइनेंस को देखने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहां हम फाइनेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं फिल्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे फाइनेंस लिखू या आईटी लिखू तो मेरा डेटा यहां दिख जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि वी लुकअप किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा, तो हम ट्रिक्स अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉलम को यहां ऐड करेंगे और फिर इसमें हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि काउंट इफ, और हम G2 से G2 और कॉमा G2 कर देंगे। तो पहले काउंट इफ को समझिए क्या काम है। काउंट इफ का काम होता है कि एक पर्टिकुलर काउंट इफ का, काउंट इफ का काम होता है एक पर्टिकुलर कॉलन से एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू को काउंट करके देता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको नीचे डायरेक्ट कर दूं
तो हर जगह 10 ही देगा। देखिए ऊपर वाले फाइनेंस भी 10 दिया और नीचे वाले फाइनेंस पे भी उसने 10 ही दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करूं, मतलब कि मैं यहां पे काउंट इफ लगाऊं और मैं यहां पे पूरा रेंज ना दूं, मैं एक जीतू से जीतू कर दूं और जीतू तीनों एक ही जैसा लिख दूं, और ड्रैग करने से पहले पहले जीतू को फिक्स कर दूं डॉलर साइन से। अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि जीटू से G3। ऐसे ही जब पहला फाइनेंस आएगा दूसरा फाइनेंस आएगा, देखिए कि यहां G2 से G5 हुआ, मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने से ऊपर वाले को ही काउंट कर रहा है, नीचे वाले को काउंट नहीं कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? इसका बेनिफिट होगा कि हर एक अकाउंटिंग का सीरियल नंबर दे देगा, हर एक डिपार्टमेंट का। अकाउंटिंग मैंने सिलेक्ट किया, यहां देखिए अकाउंटिंग का यहां सीरियल नंबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यूनिक तो नहीं हुआ है क्योंकि यहां भी रिपीट है, वन का बार रिपीट है। तो वही मैं थर्ड अपनाऊंगा कि मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन करके एक यूनिक बना लूंगा। अब ये क्या हुआ कि यूनिक कोड बन गया कि पहला फाइनेंस, दूसरा फाइनेंस, तीसरा फाइनेंस, पहला आईटी, दूसरा आईटी, तीसरा आईटी। फिर मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, काउंट इफ G/G and L2, जिससे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट कितना हमारा रिपीटेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटोमेटेड सीरियल नंबर बनाऊंगा, मैं स्टार्टिंग में 1 दे देता हूं, फिर यहां लिखूंगा कि इफ इस 1 में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 14 होता है तो यहां पे ब्लैंक कर दें, अदरवाइज इसमें +1 करें। और नीचे ड्रैग करने पे एरर के चांसेस हैं तो मैं यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा देता हूं, और यहां पे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं, लेकिन M2 हमारा फिक्स नहीं है, M2 को फिक्स करना पड़ेगा ताकि M2 जो है M3 ना बने। फिर नीचे के तरफ ड्रैग कर दीजिए एक पर्टिकुलर नंबर पे कितना कॉलम हो सकता है। तो जितना बार आईटी या फाइनेंस होगा, जो भी आप डिपार्टमेंट लिखोगे इसमें लिख दिया TRG, जितना बार होगा उतना बार वो उतना सीरियल नंबर बना देगा आपको। जैसे मैंने दे दिया सेल्स, ठीक है, फिर यहां पे अब यहां पे वी लुकअप लगाते समय उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि इसको आपस में हम कंबाइन करेंगे डैश लगा के अपने डिपार्टमेंट को, और फिर पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे एंड कॉमा। हेडिंग के लिए आप मैनुअल लिख दें या आप मैच लगा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा 0 एंड ऑल्सो कॉमा 0। आगे ड्रैग करने से पहले फ्रीजिंग मेथड अपना ले, कॉन्फिडेंट है तो डायरेक्ट लगा दे, अदरवाइज आप उसको अपने हिसाब से करें। इसका के फ्रीज होगा, L2 का पूरा L2 फ्रीज होगा, डेटा फ्रीज होगा, इसका 4 फ्रीज होगा और पूरा डेटा फ्रीज। और फिर इसको ब्लैंक और फिर इसको अपने हिसाब से जहां तक ड्रैग करना चाहते हो ड्रैग कर दीजिए। तो जितना बार रिपीट होगा डेटा उतना बार शो।
इसको मैं वी लुकअप लिस्टिंग कहता। तो वी लुकअप का चैप्टर मैंने अपने हिसाब से फिनिश कर दिया। अब आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कल मैं एक घंटा क्लास लेट ले लूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें। कल मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। सर मुझे पूछनी थी, ये जो आपने सेकंड वाला वी लुकअप लिस्टिंग जो लगाया है सर, हाँ, उसके आगे वाले में जो क्या लगाया था उसको क्या बोलते हैं सर, जहाँ पे अपने आई मीन हॉरिजॉन्टल डेटा आ रहा था आपका वी लुकअप से, कहाँ पे? इसके आगे वाले में, ठीक। हाँ, ये जो वी लुकअप लिस्टिंग के आगे वाले ने आपने दिखाया ना सर, सेम उसी तरह एक दिखाया जिसमें डेटा आपका वो देने से ग्रेटर ग्रेटर देन वाला था, जो आपने वी लुकअप लगाया फिर आपने डेट वो डेट बोला जिसे 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का डेटा का लिखेंगे तो वो डेटा मुझे शो कर देगा ये? हाँ, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ये अगर सर मैं ये इसी जी जी ये बिटवीन वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इसी इसी को इसी फॉर्मेट में आई मीन इसी फॉर्मूला में मैं वो भी डेटा को भी तो मैच करवा सकता हूँ सर, निकलवा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपका ये अगर मान लीजिए कि फिक्स नहीं है, इसलिए तो हमने मैच लगा दिया है ना, अब हेडिंग को अपने हिसाब से मोड़ दीजिए, जी 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 जी, ठीक है जी। तो सर ये दोनों चीजें वी लुकअप लिस्टिंग में ही आएगा ना सर? हाँ, आप करके देखिए ना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पे मैं हूँ हेल्प करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर, क्या ये इको करने का तरीका भी बता दीजिएगा? क्या इको करने का तरीका भी बता दीजिएगा? समझा, क्या तरीका बोल रहे हैं आप? जो आप अभी बोल रहे हैं वो 3-3 बार रिपीट हो रहा है, वो चीज करने का भी तरीका बता दीजिएगा। हम कमांड एक बार लगाएं और 3-3 बार चीज सॉल्व हो जाए। कमांड एक दिन लगाए 3-3 बार सॉल्व हो जाए, नहीं समझा मैं कह रहा हूँ जैसे आप इको कर रहे हैं ना अभी फिलहाल सिस्टम पे, कि एक बार कुछ बोलते हैं और 3 बार सप्लाई होती है, हम लोगों तक आवाज आती है, तो इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। और मेरे वो कस्टमर प्रोजेक्ट के ऊपर कब बैठेंगे सर? देखो आप मुझे 5 मिनट दे दो यार, वो 4 दिन हो गए, मैं उस दिन 10 घंटे लगाया उसके ऊपर। हाँ, आपने तो 15 मिनट में वो सब कुछ बता दिया, मैंने तो 15 आधा घंटे 10 घंटे लगाया उस पर, थोड़ा सा दे दो 5 मिनट। मैं दे दूंगा मंडे को आपकी बैटरी में। सर मेरा भी प्रोजेक्ट है सर आपके, कल दे दो संडे है, 5 मिनट का ही तो टाइम है क्लास से पहले, कल क्लास के बाद दे दूंगा। ठीक सर। सर मैं आपको वो अपना प्रोजेक्ट भी मेल कर देता हूँ सर, अभी आप एक बार देख लीजिएगा, आपने बोला था एक्सेल में देने के लिए, तो वो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आज में। ठीक ठीक ओके। कल क्लास 10 बजे सुबह सर, क्लास कल कितने बजे होगा? कल 10 बजे मॉर्निंग। ठीक है सर, क्या रहेगा उसमें क्लास में सब्जेक्ट में? मैथमेटिकल फॉर्मूला, इससे आगे का चैप्टर।